दोस्तों कैसे आप लोग, स्वागत है सभी का ट्रक ड्राइवर ब्लॉग से एक नए से वीडियो में। सुबह सुबह की 7 बज चुका है अभी। और भाई वो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा तो भाई नासिक में थे, दिंडोरी में, वहाँ से भाई वाइन लोडिंग कर दिए चुके थे गाड़ी में। ये रही अपनी गाड़ी दोस्तों। और वहाँ से भाई रात को 2 बजे निकले, क्योंकि भाई रात को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाया। और भाई ज्वार घाट है, ये ज्वार पार करके भाई सिलवासा के लिए माल लोडिंग है। और भाड़ा तो भाई आपको बताया ही था कल। चलो दोस्तों, यहाँ से पूरा कंटिन्यू आपको ब्लॉगिंग मिलेगी और पूरा घाट पार करते हैं, ये दिखाते हैं। एक्चुअली इसमें 2-3 ब्लॉग इसका पहले से बना रखा है मैंने। और ये है भाई आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए। कुछ नया भाई, मौसम चेंज होते रहते हैं तो कुछ नया आपको शायद देखने को मिले इसमें। भाई पूरा घाट ही घाट। चलो यहाँ से दोस्तों निकलते हैं, आगे ब्रश वगैरह करेंगे जो भी करना है। अपने साथ में भाई 3 गाड़ियां हैं। और भाइयों, अगर हमारी गाड़ी अगर पहुंच जाएगी भाई कभी भी, मतलब यहां से 100 किलोमीटर का रेंज और है पार करने का, और पहुंच जाने के तो सबसे पहले हमारी गाड़ी खाली होने वाली है शायद, क्योंकि अलग कुछ माल भरा हुआ है हमारे में। तो चलो यहां से निकलते हैं फ़िलहाल अभी, और बात करते हैं आपसे आगे। सो दोस्तों, यहाँ से अभी निकल चुके हैं हम। और भाई यहाँ पे ब्रश वगैरह करके भाई नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, बिकॉज रात का भाई थोड़ा बहुत बचा था, जो अंडा करी भाई बनाए थे, सब्जी चावल, तो उसी का भाई नाश्ता कर लिए। चलो यहाँ से दोस्तों फटाक से निकलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहेगा अंत तक ज़रूर, मज़ा आने वाला है, कुछ नया देखने को मिलेगा। और बहुत दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ये। Just in love with the idea of you, 'cause I'd cost a million.
and sneeze. Would you do that for me? तो भाई यही है ज्वार ज्वार घाट जो भाई पार कर रहे हैं डहानू ज़िले से। और भाई तुरंत ही रुकेंगे वेट करने के लिए, क्योंकि भाई टायर बहुत गर्म हो चुके हैं यहाँ पे। सुबह का टाइम ओके दोस्तों, अभी सुबह सुबह का टाइम 9:30 होने वाला है। और भाई ज्वार पार्क जो मतलब ज्वार अभी पार किए हैं यहाँ से, और भी दोस्तों 60 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से बाकी है। पूरा ही दोस्तों घाट ही घाट है, इसीलिए टाइम लग रहा है। ज़्यादा किलोमीटर है भी नहीं, 100 किलोमीटर था वहाँ से जहाँ पर भाई रुके, मैं आप लोगों को बताया। और भाई 40 किलोमीटर इतना मतलब 7 बजे से भाई 9:30 ढाई घंटे में भाई 40 किलोमीटर आप सोचो आप, इतना मतलब घाट ही घाट और पहाड़ ही पहाड़ है ना, चलने में भाई टाइम लगता है। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ पे रुके थे, टायर भी गए गर्म हो जाते हैं ना गर्मी के टाइम में। और सीवनेरी ढाबे में भाई और ड्राइवर लोग रुक के नाश्ता वगैरह कर रहे थे। दो गाड़ी और चली गई, एक गाड़ी और बची है, और ये रहा भाई सीवनेरी ढाबा। जैसे ही पार करते हैं अपना वहीं पर आता है। सो ओके दोस्तों, अभी पहुंच गए भाई अपने भाई जो तलासरी भाई बॉर्डर आता है वहीं पे, महाराष्ट्र के अंदर ही है अभी। और तुरंत ही भाई कुछ दूर में भाई अपना मेन 6 लेन हाईवे आ जाएगा, जो मुंबई टू अहमदाबाद हाईवे है। और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा अपना बॉर्डर महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बॉर्डर के बाद अपना भाई वहाँ पर भाई डिटेल चल के बताते हैं आपको। और ये आ गया सो दोस्तों सामने अपना मुंबई टू अहमदाबाद हाईवे जो 6 लेन रोड है। तो चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ से राइट मारने वाले हैं अपन। यहाँ से दोस्तों लेफ्ट मारेंगे तो चले जाएंगे अपना मुंबई, और इधर चले जाएंगे तो भाई अपना वापी के लिए चले जाएंगे, जहाँ से भाई हम लोग चलते हैं बराबर, आप लोग अगर देखे होगे तो। तो चलो दोस्तों यहाँ से राइट मारते हैं अपन। सो दोस्तों ये आ गया अपना मेन हाईवे 6 लेन, और यहाँ का कुछ व्यू भाई देख लो, पूरा पहाड़ों का और घाटों का कुछ अलग ही नज़ारा दिखता है भाई। और ये आ गया भाई अपना महाराष्ट्र बॉर्डर चारोटी, और इसी को पार करने के बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भाई अपना सिलवास आ जाता है। तो चलो दोस्तों यहाँ से अभी भाई टैक्स वगैरह कटवाना है, तो यहाँ पर भाई अपना पेपर देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ से निकलेंगे फिलहाल। और यहाँ का व्यू देखिए कुछ इस तरह का। 11:30 हो चुका है अभी, और पहुंच गए हैं भाई अपने बॉर्डर पे, चारोटी बॉर्डर महाराष्ट्र का। और यहाँ से अपना हो जाता है भाई गुजरात स्टार्ट। अभी तो फिलहाल दोस्तों महाराष्ट्र में ही रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से सीधे भाई जाएंगे सिलवास बॉर्डर है भाई, यहाँ से गुजरात का बहुत दूर है अभी। चलो चलते हैं भाई, अभी तो एंट्री करवाना है, पेपर भाई लेना है, यहाँ से बॉर्डर पर ही भाई टैक्स वगैरह भरना पड़ता है यहाँ पर।
तो चलो भाई वो यहाँ से निकलते हैं, अभी बॉर्डर पकड़ दिए क्रॉस यहाँ से और सीधे भाई निकलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं आगे जाना है भाई। वहाँ से भाई ब्रिज के नीचे से आगे वाले पे राइट मारना है फिर से वापस। तो चलो आपको ले चलते हैं वहाँ पे, घुमाते हैं। वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो करते रहेगा लाइक दोस्तों। और ये आ गया दोस्तों मेन ब्रिज, यहाँ से भाई हमें राइट मारना था और यहाँ से राइट मार के भाई सीधे जाना है। गुजरात के अंदर तो भाई इंटर करना नहीं है क्योंकि भाई इतना घूम घुमा के आने का कोई फ़ायदा नहीं अगर गुजरात में इंटर करेंगे तो, क्योंकि भाई वहाँ पे भी टैक्स लग सकता है। इसीलिए भाई सीधे महाराष्ट्र सिलवास के अंदर जाएंगे, इसीलिए भाई इतना दूर घाट पे चढ़ाव मुढ़ाव करके लाए हैं गाड़ी को। तो चलो यहाँ से भाई फ़िलहाल चलते हैं आगे और वीडियो के साथ बने रहेगा। तो अभी 1:30 बज चुका है दोपहर का और भाई पहुंचे हैं भाई सिलवासा बॉर्डर पे, जैसा कि पहले आपको मैंने दिखाया आपको मैंने, और भाई जा रहे हैं यहाँ पे भी एंट्री लगेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से निकलेंगे भाई। ये रही चार गाड़ियाँ, एक ये एक ये एक ये, सबसे आगे अपनी लगी है गाड़ी भाई। वो गजब चिल्ला रहे हैं यहाँ पे लोग, मतलब बोल रहे हैं कि भागो मत, लाइन से भाई गाड़ी आई है, तीन गाड़ियों में भाई एक ही माल लोडिंग है। तो देखते हैं भाई जो गाड़ी पहले पहुँचेगी वही गाली होगी दोस्तों। तीन गाड़ियों में से दोस्तों चार गाड़ी एक साथ में है और तीन गाड़ी भाई एक ही माल लोडिंग की है, जो गाड़ी पहले पहुंचेगी वही भाई लोडिंग होगी, मतलब अनलोडिंग होगी वहाँ पे। देखते हैं कौन गाड़ी पहुंचती है यहाँ पे भाई, साथ में छोड़ेंगे सभी गाड़ियों को। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे जाना है और बात कुछ ऐसी है कि जो गाड़ी पहले पहुँचेगी वही अनलोड होगी। तो चलो रेस लगाते हैं, दो गाड़ियाँ पहले से निकल चुकी है और दो गाड़ी और एक गाड़ी हमारी निकलने वाली है और तीन नंबर दोस्तों यहाँ पर गाड़ी है, देखते हैं वहाँ कब पहुँचते हैं। दो गाड़ियाँ बहुत स्पीड में निकली है यहाँ से। और ये रहा भाई, देखो ये गाड़ी पकड़ी गई, एक गाड़ी भाई निकल गई है, वो तो उससे मतलब नहीं है भाई, वो इसी गाड़ी को भाई पीछे अगर कर देते हैं अपन तो भाई शायद अपनी गाड़ी एक नंबर में लग जाए। ये भाई रोड देखो, रोड है ना, ये आगे भाई चलने ही नहीं देगा किसी को भी, रोड बहुत भाई पतला है, एक तो ओवरटेक भी नहीं कर सकते अपन और भाई इससे आगे भी नहीं जा सकते हैं। चल तो भाई देखते हैं कब इसको पार करते हैं, ओवरटेक करके आगे निकलते हैं यार, उतना कोई जल्दी नहीं है, बस भाई एक नंबर में लग जाए क्योंकि भाई ये अपना रास्ता जाना पहचाना है और बराबर इधर ही चलते हैं अपन, तो इसीलिए भाई बोल रहे हैं अपन। वो भाई वो तो गाड़ी उस साइड में गई, पता नहीं वो किधर जा रही है, हम तो भाई लेफ्ट मार के जाना है भाई। 10 से 15 किलोमीटर भाई घूमने के बाद देखो वो गाड़ी पकड़ी गई फिर से वापस, मतलब कि वो पता नहीं किस तरह से भाई गई, सीधे निकल गई, हमें भाई लेफ्ट मार के जाना था, शायद वो दूसरे रास्ता देखे थे क्योंकि भाई ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। और भाई इसको भी यहाँ पे भी ओवरटेक कर सकते थे लेकिन भाई कहे नहीं क्योंकि भाई रोड का काम का कंस्ट्रक्शन चालू था इसीलिए। तो भाई वो तो गाड़ी पहुँच गई अपना गोडाउन के पास, भाई आ गए हैं अपन, अभी देख सकते हो यहाँ पे गोडाउन है। तो दोस्तों अभी शाम का 3 बज रहा है, 3 बजने वाला है 15 मिनट में और भाई पहुँच गए पूरा रेस लगा कर, लेकिन भाई यहाँ पर लग नहीं रहा कि खाली होगी कोई भी गाड़ी क्योंकि भाई वैसे भी लेट पहुँचे हैं और यहाँ पे आदमी लोग भी नहीं है, बोल रहे हैं कि आदमी आके चला गया जो खाली करवाता है अपना गाड़ी। देखते हैं भाई क्या सीन रहता है यार, बहुत मुश्किल दिक्कत हो जाएगी, मतलब दिन भर गाड़ी चला के आओ भाई और खाली ना हो के तो। ओके दोस्तों अभी फाइनली कन्फर्म हो गया, मतलब अनलोडिंग नहीं होगी कल, एंट्री भी नहीं होगा आज दोस्तों, अब होगी सीधे भाई कल अनलोडिंग। फिलहाल दोस्तों आने में बहुत मज़ा आया, अभी भी भाई यहीं पर रुक जाएंगे रात को गोडाउन के पास, रुकने के बाद दोस्तों कल देखते हैं खाली होती है कि नहीं। तो वीडियो साथ अभी भी बने रहेगा, वीडियो तो अभी ख़त्म नहीं होगा। जी शाम का 5:30 और भाई जा रहे खाना पीना बनाने के लिए क्योंकि भाई दिन में तो बिल्कुल खाना बनाए नहीं थे, वही रात का थोड़ा बहुत खाना था तो वही खा लिए। चलो खाना पीना बनाते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक। आदमी सब दोस्तों चले गए, सभी गाड़ियाँ रुकी थी सुबह में, सभी चली गई, यहीं पर अपन खाना पीना बना के दोस्तों यहीं पर लगा के सो जाएंगे। दोस्तों आज इसका सब्जी बनाएंगे भाई, इसमें डाले गोभी गलकी और भाई बैंगन, इसमें भाई ये क्या बोलते हैं इसको, तो इस सब का सब्जी हो करेला दोस्तों है करेला, तो इसका दोस्तों आज सब्जी बनाएंगे और बनाएंगे रोटी। तो चलो दोस्तों खाना बनाते हैं अपन, रोटी और सब्जी। सो दोस्तों आज का खाना ये रहा हमारा भाई, रोटी सब्जी मिक्स भाई, सब्जी और रोटी,
चलो अपन खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद इसको वीडियो को एंड करेंगे। अभी तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा वीडियो को। सो ओके दोस्तों, अभी रात का 8:30 हो चुका है, खाना पीना बना के भाई फिनिश हो गए, क्योंकि दिन में भाई खाए नहीं थे उतना खाना और भाई भूख भी लगी थी ज़ोर से, नहीं तो भाई 10 से 11 बजे तक भाई तो खाना खाते ही है। अब दोस्तों क्या करेंगे ना, अपन गाड़ी को इधर भाई साइड में लगा के, और वहाँ पे दोस्तों गार्ड बैठे हुए हैं, देखो वर्दी पिम में भाई, यहाँ पे भाई ये सरकारी गोडाउन है इसीलिए, तो कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है, और ऊपर से भाई यहाँ पे फोर्स आप बोल सकते हो बैठे हैं भाई रखवाली करने के लिए या जो भी करने के लिए। तो इधर भाई साइड में कल आज से अभी गाड़ी लगा देते हैं, अभी पापा तो खा ही रहे खाना, और गाड़ी लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे अपन, सो जाएंगे यार क्योंकि कल 2 बजे से तो भाई जगे ही थे रात से, आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा अगर, तो 2 बजे रात से भाई जगे ही थे। तो चलो गाड़ी यहाँ पे लगा के उसके बाद इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म।